नमस्कार दोस्तों रेडियोग्राफी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है आज का टॉपिक है एंटी स्कैटर्ड ग्रिड्स ये इस सीरीज का पहला भाग है इस भाग में हम ग्रिड्स के फीचर्स एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे आज हम ग्रिड के बारे में पढ़ेंगे जिसको हम रेडियोग्राफी में यूज़ करते हैं लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन अ डिवाइस दैट रिड्यूसेस द अमाउंट ऑफ स्कैटेड रेडिएशन रीचिंग द इमेज सेक्टर देखिए ग्रिड डिवाइस होता है जो स्कैटर रेडिएशन को इमेज रिसेप्टर तक पहुंचने से बचाता है सेकेंडली ग्रिड इन्हेंसेस इमेज कंट्रास्ट क्योंकि ग्रिड जो होती हैं वो स्कैटर रेडिएशन को इमेज रिसेप्टर तक पहुंचने से बचाती हैं इसका मतलब ये क्या करती हैं इमेज कंट्रास्ट को इन्हेंस करती हैं इट इज़ इन्वेंटेड बाय गोस्टोब बक्की इन नाइनटीन थर्टीन में गोस्टोव बक्की ने ग्रिड का आविष्कार किया था इट इज़ प्लेस्ड बिटवीन पेशेंट एंड इमेजर सेक्टर ये पेशेंट और इमेजर सेक्टर के बिल्कुल बीच में प्लेस किया जाता है चलिए आप ग्रिड की कंस्ट्रक्शन को भी देख लेते हैं इट इज़ कंसिस्ट ऑफ लैड स्टिप्स सेपरेटेड बाय रेडियो ट्रांसपेरेंट स्पेसर द होल इज इंक्लोज इन एलमोनियम आउटर कवर इंटरस्पेसर ऑफ द ग्रिड आर फिल्ड विथ एलमोनियम और ऑर्गेनिक कंपाउंड देखिए बेसिकली ग्रिड्स लैड स्ट्रिप्स की बनी होती हैं जो एक दूसरे के पैलर होती हैं एंड दे आर सेपरेटेड बाय रेडियो ट्रांसपेरेंट स्पेसर जो एलुमियम या अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड का बना होता है और इस पूरी असम्बली को एलमुनियम की आउटर कवरिंग से ढका जाता है आप जो ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हैं वो लैड स्टिप्स हैं और दो लैड स्टिप्स के बीच के जो स्पेस है हम उसे इंटर स्पेस कहते हैं एंड एच इज़ हाइट ऑफ द लैड स्टिप ग्रिड के जो नीचे इमेज रिसेप्टर है और एक्सरे फोटोन जब पेशेंट की बॉडी से इंट्रैक्ट करते हैं तो सम ऑफ़ द एक्सरे फोटोन पास थ्रू एंड सम ऑफ द एक्सरे फोटोन गेट डिफ्लेक्टेड जिसे क्या करता है ग्रिड रिसेप्टर तक पहुंचने से रोकता है एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस होते हैं ग्रिड हंड्रेड परसेंट उनको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता इसलिए जो कॉन्सेप्ट है रेडियोग्राफी में एक आइडियल ग्रिड का वो एक मिथ है इस प्रकार की कोई भी ग्रिड अवेलेबल नहीं है क्योंकि कोई भी ग्रिड 100% परसेंट स्कैटर रेडिएशन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती स्कैटर्ड रेडिएशन राइजिंग फ्रॉम मैनी पॉइंट्स विद इन द पेशेंट एंड इज मल्टी डायरेक्शनल सो मोस्ट ऑफ इट लाइक एट्टी टू नाइन्टी इज एब्जॉर्ब बाय द लेट स्ट्रिप एंड दस इंक्रीज द इमेज कंट्रास्ट देखिए जब एक्सरे फोटोन पेशेंट की बॉडी पर स्ट्राइक करते हैं देन सम ऑफ देम कैट डिफ्लेक्टेड एज ए स्कैटर्ड उसमें से 80 से 90 परसेंट स्कैटर रेडिएशन को ग्रिड रोक लेती है जिसकी वजह से इमेज का जो कंट्रास्ट होता है वो एनहेंस हो जाता है चलिए इसी कंसेप्ट को हम डायग्राम की मदद से समझने की कोशिश करते हैं आप जो डायग्राम देख रहे हैं इसमें जो ऊपर है वो एक्सरे ट्यूब है देन वी हैव प्राइमरी रेडिएशन देन वी हैव पेशेंट लेइंग ऑन द टेबल और हमने ग्रिड को पेशेंट और इमेज सेक्टर के बीच में प्लेस किया हुआ है जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एक्सरे ट्यूब इज़ अ प्राइमरी सोर्स ऑफ एक्सरे रेडिएशन और जो एक्सरे बीम प्रोड्यूस होती है वो हैड्रोजीनियस नेचर की होती है इट मीन इट इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट एनर्जी फोटोन जब एक्सरे फोटोन पेशेंट से स्ट्राइक करते हैं तो कुछ बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाते हैं एंड सम ऑफ देम एबल टू रिज द इमेज सेक्टर टू प्रोड्यूस डेंसिटी ऑन द फिल्म बट सम ऑफ देम गेट स्कैटर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन व्हिच इज़ अब्जॉर्व बाय ग्रिड इन दिस वे ग्रिड इन्हेंसेज इमेज कंट्रास्ट तो हमारा फोकस यहाँ स्कैटर्ड फोटोन पर है जो कॉम्पटन स्कैटरिंग के कारण उत्पन्न होता है स्काटर्ड रेडिएशन का जो प्रोडक्शन होता है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करता है चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि वो कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिस पर स्केटर्ड एडियशन का प्रोडक्शन डिपेंड करता है पहला फैक्टर है किलो वोल्टेज मोर के वी मीन मोर स्कैटर एडिएशन इसका मतलब आप जितना के वी बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा स्कैटर एडिएशन प्रोड्यूस होगा सेकेंड इज़ फील्ड साइज दैट इज कॉलिमेशन इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा लार्ज अगर आपने फील्ड साइज रखा है तो उतना ज़्यादा स्कैटर्ड प्रोड्यूस होगा अब जितना स्मॉल फील्ड साइज रखेंगे उतना कम स्कैट एडिशन प्रोड्यूस होगा एंड द सेकेंड सॉरी इट इज़ थर्ड द थर्ड फैक्टर इज थिकनेस ऑफ द इरेडेटेड टिश्यू इसका मतलब ये हुआ कि टिश्यू की जो थिकनेस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन प्रोड्यूस होगा मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अगर आप एब्डोमन का एक्सरे कर रहे हैं या एल एस पाइन का एक्सरे कर रहे हैं क्योंकि ये पार्ट काफ़ी थिक होते हैं तो यहाँ पर स्केटर रेडिएशन ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे अब हम ग्रिट कैरेक्टरिस्टिक और उसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहले हम ग्रिड रेशो के बारे में पढ़ेंगे एंड इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशो बिटवीन हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम मैथमेटिकली ग्रिड रेशो इज रेशो बिटवीन हाइट ऑफ द लेड स्ट्रिप एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इट मीन ग्रिड रेशो इज एच बाई डी वेयर एच इज़ द हाइट ऑफ द लैड स्ट्रिप एंड डी इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम Secondly, इट expresses ग्रिड एबिलिटी टू रिमूव scattered रेडिएशन ग्रिड रेशियो बताता है ग्रिड की एबिलिटी टू रिमूव scattered रेडिएशन और जो इसकी जो नॉर्मल रेंज होती है वो फोर इस टू वन टू सिक्सटीन इस टू वन होती है आप एक बात का ध्यान रखिएगा सिक्सटीन इस टू वन की जो ग्रिड होगी वो फोर इस टू वन की ग्रिड से ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करेगी इसका मतलब ये हुआ हायर द ग्रिड रेशो मोर स्कैटर रेडियशन रिमूव बट इट आल्सो इंक्रीज द पेशेंट डोज चलिए एक एग्जांपल लेते हैं फाइव इस टू वन का जो ग्रिड है वो लगभग एट्टी फाइव परसेंट स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करेगा जबकि सिक्सटीन इस टू वन का जो ग्रिड है वो लगभग नाइन्टी सेवन परसेंट स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करेगा इससे साफ पता चलता है कि जितना ज़्यादा ग्रिड रेशो होगा उतना ज़्यादा उसकी एबिलिटी होगी टू रिमूव स्कैटर्ड रेडिएशन सेकेंड फैक्टर इज ग्रिड फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ लैड स्ट्रिप्स पर इंचेस और पर सेंटीमीटर इज कॉल्ड ग्रिड फ्रीक्वेंसी ग्रिड फ्रीक्वेंसी बताता है लैड स्ट्रिप की संख्या को पर इंचिस या पर सेंटीमीटर ऑल्सो ग्रिड विथ हायर ग्रिड फ्रिक्वेंसी शोज़ लेस ग्रिड लाइन ऑन द रेडियोग्राफ देन द ग्रिड विथ लोअर फ्रिक्वेंसीज देखिए इसका मतलब ये हुआ जितनी ज़्यादा ग्रिड फ्रिक्वेंसी होगी उतने कम चांस होंगे ग्रिड लाइन के फिल्म पर आने के आप कह सकते हैं ग्रिड फ्रिक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी ग्रिड uh, लाइन उतनी ही फिल्म पर कम आएँगी और अगर ग्रिड फ्रिक्वेंसी अगर कम है तो ग्रिड लाइन उतनी ही ज़्यादा फिल्म पर आएंगी हायर द ग्रिड फ्रिक्वेंसी हायर द पेशेंट डोज इसका मतलब ये हुआ ग्रिड फ्रिक्वेंसी जो होती हैं वो पेशेंट की डोज़ के प्रपोर्शनल होती है इसका मतलब जितना ज़्यादा ग्रिड फ्रिक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा पेशेंट की डोज बढ़ेगी ग्रिड फ्रिक्वेंसी को कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर डिवाइडेड बाय कैपिटल डी प्लस स्मॉल डी Where capital D is the distance between the two lattice strips and small d is the thickness of the lattice strip in mm. How to evaluate grid performance? Grid की performance का evaluation कैसे करें? आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. तीन factor होते हैं जिसकी वजह से हम grid performance का evaluation कर सकते हैं. पहला होता है primary transmission. Second factor होता है bucky factor. थर्ड फैक्टर होता है कंट्रास इम्प्रूवमेंट फैक्टर हम तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे लेकिन शुरुआत प्राइमरी ट्रांसमिशन से करते हैं इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ परसेंटेज ऑफ प्राइमरी रेडिएशन ट्रांसमिटेड थ्रू द ग्रिड प्राइमरी ट्रांसमिशन बताता है परसेंटेज ऑफ प्राइमरी रेडिएशन जो ग्रिड से पास करता है अगर हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो प्राइमरी ट्रांसमिशन जो होता है इज इक्वल टू इंटेंसिटी विद ग्रिड डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी विदाउट ग्रिड मल्टीप्लाइड बाय 100 और जो टिपिकल वैल्यू होती है प्राइमरी ट्रांसमिशन की वो होती है 50 टू 75 परसेंट सेकेंड इज बक्की फैक्टर इट इज द रेशियो ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फॉलिंग ऑन द ग्रिड टू द ट्रांसमिटेड रेडिएशन पासिंग थ्रू द ग्रिड देखिए ग्रिड पर गिरने वाला इंसिडेंट फोटोन और ग्रिड से निकलने वाले रेडिएशन के अनुपात को हम बक्की फैक्टर कहते हैं अगर हम इसको मैथमेटिकली देखें तो बक्की फैक्टर इज़ द रेशियो ऑफ इंसिडेंट फोटोन डिवाइडेड बाय ट्रांसमिटेड फोटोन इट इंडिकेट हाउ मच एक्सपोजर मस्ट बी इंक्रीज टू कंपेट द रिमूवल ऑफ इंसिडेंट फोटोन बाय द ग्रिड इसका मतलब है बक्की फैक्टर हमें बताता है कि हमें एक्सपोज़र फैक्टर कितना बढ़ाना है ताकि ग्रिड द्वारा रोके गए इंसिडेंट फोटोन की कमी को पूरा किया जा सके इसके अलावा हायर द ग्रिड रेशियो मीन हायर द बक्की फैक्टर और जो बक्की फैक्टर की जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो थ्री टू सिक्स होती है थर्ड इज़ कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर इट इज़ द रेशियो ऑफ कंट्रास्ट विद अ ग्रिड टू कंट्रास्ट विदाउट ग्रिड कंट्रास्ट विद ग्रिड और कंट्रास्ट विदाउट ग्रिड के अनुपात को हम कंट्रास्ट इम्प्रूवमेंट फैक्टर के नाम से जानते हैं इट इज डिनोटेड बाय के इफ यू सी मैथमेटिकली के इज इक्वल टू कंट्रास्ट विद ग्रिड डिवाइडेड बाय कंट्रास्ट विदाउट ग्रिड। इट रिफ्लेक्ट्स द इंक्रीज इमेज कंट्रास्ट ऑबटेन फ्रॉम ग्रिड देखिए ये बताता है कि ग्रिड यूज़ करने पर कंट्रास्ट कितना इम्प्रूव करता है और जो इसकी टिपिकल वैली होती है वो 1.5 से 2.5 के बीच में होती है ग्रिड को कहाँ कहाँ रिकमेंड करते हैं पहला एनाटमिकल पार्ट शुड बी ग्रेटर देन 10 सेंटीमीटर जिस पार्ट का हम एक्सरे ले रहे हैं उसकी थिकनेस दस सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए फॉर एग्ज़ाम्पल डूइंग एक्सरे ऑफ एबडोमन और एल एसपाइन वेयर थिकनेस इज ग्रेटर देन टेन सेंटीमीटर सेकेंड विथ हाई के वी टेक्निक जहाँ पर हम हाई के वी टेक्निक यूज़ करते हैं वहाँ पर ग्रिड को रिकमेंड किया जाता है थर्ड सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर टू इनक्रीज कंट्रास्ट चलिए ग्रिड के एडवांटेज पर भी नज़र डाल लेते हैं इट रिमूव्स स्कैटर रेडिएशन ग्रिड का सबसे बड़ा महत्व है इसकी स्कैटर रेडिएशन को रोकने की क्षमता बिकॉज इट रिमूव्स स्कैटर रेडिएशन दैट इज़ वाई वी गेट हाई इमेज कंट्रास्ट ऑन द रेडियोग्राफिक फिल्म एज वी आर गेटिंग हाई इमेज कंट्रास्ट इट लीड्स टू हाई विजिबिलिटी ऑफ डिटेल ऑन द फिल्म डिसएडवांटेज पर भी नज़र डाल लेते हैं पहला हाई पेशेंट एक्सपोजर डोज देखिए जब हम ग्रिड को यूज़ करते हैं तो ग्रिड स्कैट रेडिएशन को रिमूव करने के साथ साथ कुछ प्राइमरी रेडिएशन को भी रिमूव कर देता है जिससे फिल्म की डेंसिटी कम हो जाती है उस डेंसिटी को मैंटेन करने के लिए हमें एक्सपोजर फैक्टर बढ़ाने पड़ते हैं जिससे पेशेंट का एक्सपोज़र डोज बढ़ जाता है सेकेंड इज अपेयरेंस ऑफ ग्रिड लाइन विच इज नॉट गुड फ्रॉम रेडियोग्राफिक पॉइंट ऑफ व्यू सो टू मिनिमाइज इट वी हैव टू यूज़ ग्रिड विद हायर फ्रीकवेंसी वेयर नंबर ऑफ फ्लैट स्टिप आर मोर पर सेंटीमीटर और वी हैव टू यूज मूविंग ग्रिड थर्ड पॉइंट इज ट्यूब कैनॉट बी एंगल्ड इन एनी डायरेक्शन विद आउट कॉजिंग ग्रिड कट ऑफ देखिए जब हम ग्रिड को यूज करते हैं तो सबसे बड़ा डिसएडवाटेज इसका ये होता है कि हम ट्यूब को हर डायरेक्शन में एंगल नहीं कर सकते यहाँ पर कुछ लिमिटेशन होती है क्योंकि अगर हम ट्यूब को एंगल करेंगे इससे क्या होगा ग्रिड कट ऑफ होगा और जो रेडियोग्राफिक टेंसिटी होगी वो कम हो जाएगी थर्ड पॉइंट इज मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज इट स्पेशली हैपन इन मूविंग ग्रिड बिकॉज ऑफ इंक्रीज डिस्टेंस बिटवीन पेशेंट एंड द इमेज बस यही था आज का वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें शेयर करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद